फाखिर फाखिर बात तो सुनो मेरी। अरे क्या है यार, बोलो। वो थैंक यू कह रहा था तुम्हें। बड़ी अम्मी आई थी ना, तो बहुत गुस्से में लग रही थी, तो उनको देख के मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। शुक्र है तुम आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। जेबी है ना, जेबी को आना था मुझे नोट्स देने, वो नहीं आ सकी इसलिए उसने हमजा को भेज दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आ रहे, अगर मुझे पता होता तो मैं मना कर देती, मैं कह देती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए नोट्स। शुक्र है दादी या पप्पो में से किसी ने नहीं देख लिया, वो लोग देखते तो घर में एक नया मसला खड़ा हो जाता ना। अगर मुझे पता होता ना कि वो आ रहे हैं तो मैं नहीं जाती, मैं परेशान होकर चली गई थी। मुझे डर लग रहा था कि कोई देख लेगा, इसलिए मैं गई थी नोट्स लेने, वरना मैं उसे दरवाजे पे ही खड़ा रखती। बहुत अजीब सा है वो। फिर कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने हमजा को खुद बुलाया था? एनी, मैंने पहले कभी तुम पे शक नहीं किया, ये आवाज नहीं उठाई तो मैं अब क्यों करूंगा? तुम्हें ये याद दिला रहा था कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। अलबत्ता मैं भी यही चाहूंगा कि तुम भी मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी रहो बगैर सवाल उठाए। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम किसकी तरफ होती हो, अपने अब्बा या मेरी तरफ। अब्बा की